Once again, you are most welcome in the live classes of NIBM. So now rule number 6. No, जैसा यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नॉट के साथ होती है तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो नॉट के साथ होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज नहीं करना है. जैसे नॉट सी बट आर फ्रेंड्स आर गिल्टी, तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग यूज नहीं किया गया वर्ब का, बल्कि फ्रेंड्स के अनुसार यूज किया गया आर का. राइट, सी नॉट हर फ्रेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी नॉट हर फ्रेंड्स बहुत रिमार्केबल चीज यहाँ पे दिया गया है. राइट, देखिए बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे हर फ्रेंड्स के पहले नॉट का यूज किया गया है. ठीक है, इस कारण से वहां पे फ्रेंड्स के अनुसार आर नहीं लगा बल्कि इस का यूज किया गया है. तो किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग. राइट, तो यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट कह रहा है अगर कोई भी सब्जेक्ट नॉट के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब वहां पे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगता है बल्कि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है. ठीक है, तो इस कारण में फर्स्ट वाले में आर और सेकेंड वाले में इस का यूज किया गया है. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर ये इधर और वाला नहीं समझ में आया सभी. कौन सा? बी वाला. हाँ, बी वाले में ना यहाँ पे कह रहा है जैसे हम लोगों ने एक कंसेप्ट जो सीखा कि अगर इधर और या निधर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, सिंपल ये लाइन दिमाग में रखिए, तो हम लोग वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं. तो नियरेस्ट मेरा कौन सा हुआ? आई हुआ, आई के अकॉर्डिंग एम लग गया, ही हो गया, ही के अकॉर्डिंग इज लग गया. मतलब जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है वर्ब का. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? चलिए लेट्स सी रूल नंबर 7. म्यूट कर लीजिए इंडेफिनिट प्रोनाउन. सभी अपना देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? समवन है या समबडी, दोनों की मीनिंग सेम होती है. ध्यान रखिएगा, इच हो गया, नोबडी या नो वन आता है, एनीवन, वन. अरे म्यूट करो, किनका आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा. एवरीबडी या एवरीवन, कोई भी सब्जेक्ट होते हैं ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. इसके साथ आंख बंद करके आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा. इच ऑफ माय फ्रेंड्स, देखिए अभी जिनका क्वेश्चन था इधर वाला, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था इधर ऑफ द प्लेयर्स, देख लीजिएगा इससे वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इच ऑफ माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड प्लूरल हो गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉल्स वर्ड जो कि सिंगुलर है. अब आप क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत इच के साथ हो रही है. ठीक है, इच ऑफ माय फ्रेंड कॉल्स मी वंस अ मंथ. Playing. ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए प्लूरल हो गया लेकिन वहां पे यूज किया गया लाइक्स का क्योंकि एवरीबडी है वहां पे. वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल, तो यहाँ पे भी देम देखिए प्लूरल हो गया लेकिन हैज का यूज वहां पे किया गया है वन के अकॉर्डिंग. तो रिमेम्बर इट, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है. ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें रूल नंबर 7 में? नो. चलिए लेट्स सी रूल नंबर 8. देखिए रूल नंबर 8 कह रहा है द फॉलोइंग वर्ड्स टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन दे स्टैंड फॉर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन दे स्टैंड फॉर काउंटेबल नाउन. ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना जिसको अगर हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं तो आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर का यूज करते हैं, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया गया तो काउंटेबल नाउन प्लूरल हो जाते हैं. ठीक है, देखिए कौन कौन से वर्ड हैं, सम है या सम ऑफ है, ऑल है या ऑल ऑफ है,
enough, most of, या great deal of, lots of, या lot of, या plenty of, या फिर none. तो ये सारे वर्ड्स हैं. अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है मोस्ट ऑफ के साथ. तो मोस्ट ऑफ द मनी, तो मनी आपको पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इस कारण से यूज किया गया हैज का. सेकेंड है मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो बॉयज चूंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया, मोस्ट से ही सेंटेंस की शुरुआत हो रही है लेकिन बॉयज प्लूरल हो गया, इस कारण से यूज किया गया वहां पे हैव का. तो ये डिपेंड करेगा मेरा नाउन कैसा है. अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, काउंटेबल नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. कोई क्वेश्चन इसमें? मनी तो काउंटेबल है ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का फंडा क्या है आप ये समझ जाइए. अगर कोई भी नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो ही वो काउंटेबल होता है, नहीं बनता है तो अनकाउंटेबल रह जाता है. जैसे हम मनी में कभी भी एस नहीं लगा सकते हैं, मनीस नहीं कह सकते हैं, इस कारण से वो अनकाउंटेबल नाउन है. और एनी अदर क्वेश्चन? नो वन. रूल नंबर 9 पे आते हैं. अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर थॉट ऑफ. ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज करते हैं. तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, आपके दिमाग में वो रहेगा. देखिए कब, जब लगता है कि कलेक्टिव नाउन एकदम यूनाइटेड है तो हम यूज करेंगे सिंगुलर का. लेकिन लग रहा है कि कलेक्टिव नाउनों में ना आपस में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, मतलब आपस में मतभेद है, तो हम यूज कर देंगे फिर प्लूरल का. इसीलिए हम इंडियन टीम इज प्लेइंग भी बोलते हैं और इंडियन टीम आर प्लेइंग भी बोलते हैं. तो डिफरेंस क्या हो गया? इंडियन टीम इज प्लेइंग मतलब एकजुट होकर खेल रही है, तब तो आज मैच जीती जाएगी. और इंडियन टीम आर प्लेइंग, अच्छा तो मतलब कोहली अलग हो गया, रोहित अलग हो गया, ठीक है, मतलब सब में मतभेद चल रहा है. इसी तरह जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, द क्राउड वॉज पीसफुल, क्राउड बहुत शांति से थी, तो सिंगुलर का यूज कर दिया गया. द क्राउड वर फाइटिंग, अब एक दूसरे में फाइटिंग चल रही है, तो यहाँ पे वर का यूज कर दिया गया क्राउड के साथ. द ज्यूरी वर डिवाइडेड, तो वहां पे वर क्यों लगा? क्योंकि ज्यूरी जो है ना बट गई है, उनमें एकमत नहीं है, सबका अलग अलग ओपिनियन है, इस कारण से वर का यूज किया गया. और रिमेंबर वन थिंग, ज्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? सर हाँ बोलिए. अगर यहाँ पे लिखा रहता है तो ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो हम इट्स के हिसाब से वहां पे तब तो वॉज लगाएंगे. नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं. सर ये नहीं, हम नहीं, नहीं, आप बहुत आपने एक रूल में पढ़े थे सर. हाँ, पढ़ा होगा आपने. हाँ. अच्छा एक मिनट, अगर वो डिवाइडेड होगा ना, आपने क्वेश्चन किया, अगर डिवाइडेड होगा तो वहाँ पे देयर जरूर लगेगा. ठीक है, अगर कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपको मिला है तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, राइट? क्योंकि डिवाइड जब भी होगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं. ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है वो चीज. अगर यहाँ पे इट्स वहाँ पे गलत हो जाता, एकदम गलत हो जाता. कभी हम डिवाइडेड के केस में इट्स का यूज कभी नहीं करेंगे. ठीक है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जो आपने कैसा क्वेश्चन किया ना, एंड द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन कर देगा, तो इट्स की जगह पे आपको देयर लगाना पड़ेगा. ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर. यहाँ पे जैसे आप कलेक्टिव नाउन बोले, तो अगर ए फ्लॉक ऑफ शिप रहेगा तो भी हम सिंगुलर नाउन ही यूज करेंगे, सिंगुलर भर भी यूज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप फ्लॉक ऑफ शिप आपने कहा ना, ठीक है, वो सिंगुलर ही रहता है हमेशा, वो तो हमेशा सिंगुलर रहता है. ठीक है, भर मतलब भर भी उसमें सिंगुलर ही लगाएंगे. एग्जैक्टली, उसमें वर्ब का सिंगुलर यूज करेंगे. चलिए देखिए रूल नंबर 10. Indefinite pronouns which indicate more than one always take plural verb. देखिए
ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हमेशा एक से ज्यादा को इंडिकेट करते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है ये, ठीक है। उसके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, सेवरल आपको पता चलता है बहुत सारे, फ्यू अ फ्यू मतलब कुछ, बोथ दोनों, मेनी बहुत, अ ग्रेट मेनी की मीनिंग होती है मेनी, अ गुड मेनी ये भी, ठीक है। तो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो एक से ज्यादा को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे हमेशा हम यूज करते हैं प्लूरल का। देखिए जैसे मेनी वर कॉल्ड बट अ फ्यू वर चूजन, तो मेनी के साथ वहां वर लगा, बहुत लोगों को बुलाया गया था, बट अ फ्यू वर चूजन, लेकिन कुछ लोगों को चूज किया गया। सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन 4 or 5 kilometers a day, तो सेवरल के साथ, सेवरल मतलब हो गया बहुत सारे फील्डर्स, रेगुलरली प्लूरल वर्ड है। फ्यू देखिए, फ्यू नेगेटिव मीनिंग होती है और अफ्यू पॉजिटिव मीनिंग होती है, द फ्यू मतलब बहुत सारा, समझ जाइए मैं बता रहा हूँ। आई हैव फ्यू बुक्स, मैंने ना एग्जाम की तैयारी एकदम नहीं की क्योंकि आई हैड फ्यू बुक्स, कोई भी किताब नहीं थी मेरे पास, कैसे तैयारी करते, हम एग्जाम ढंग से तैयारी नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि आई हैड अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ ही किताबें थी। तो फ्यू क्या हो गया, नेगेटिव मीनिंग देता है हमेशा, अ फ्यू मतलब सम की मीनिंग देता है पॉजिटिव सेंस में, और द फ्यू मतलब ये कंप्लीट देता है, कंप्लीट सेंस देता है। आई हैव द फ्यू बुक्स ऑफ क्लास 10, मेरे पास क्लास 10 की पूरी किताबें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, नन एंड एनी टेक देयर इधर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ठीक है। नन और एनी, नन का यूज करते हैं हम नेगेटिव केस में, और एनी का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। नन का मतलब होता है दो से ज्यादा, जैसे हम दो के लिए यूज करते हैं नेगेटिव में नीदर का, तो नन का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए नेगेटिव सेंस में। तो इसके साथ क्या है कि या तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों चल सकता है, कोई आप कोई भी अगर आप लगाते हैं गलत नहीं होगा, नीदर ऑफ देम, हैज बी कम बैक या हैव बी, दोनों सही है। एनी ऑफ दोज कार्स इज टू बी सोल्ड या आर टू बी सोल्ड, ये नन और एनी के साथ ये ऑप्शन आपको मिला है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में सही माना जाएगा। कोई क्वेश्चन इससे, नो वन, तो चलिए हम लोगों ने रूल 10 तक किया, इसमें इसको आप एक बार थॉरली स्टडी कीजिएगा और कुछ एग्जांपल्स अपने से लिखिएगा, जैसा रूल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग कुछ अपने से एग्जांपल्स लिखिएगा तो और भी ज्यादा वो क्लियर होता जाएगा। और स्वाभाविक सी चीज है कि जब आप अपने से लिखेंगे सेंटेंसेस तो कहीं पे नहीं भी समझ में आएगा, तब यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो जो क्वेश्चन आएगा ना जो आप लिखेंगे, जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा।